गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये उत्तराखंड का 47वां पार्ट है। चलिए मैं महत्वपूर्ण तथ्यों को लेता हूँ ताकि आपको याद हो जाए हर चीज़। तो बताइए, राज्य में खोए बच्चों की तलाश से संबंधित कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? ऑपरेशन ओपन या ऑपरेशन स्माइल? जान फर्नांडिस समिति किससे संबंधित है, किन नगरों को मिलाने से संबंधित है? हरिद्वार को उत्तराखंड में मिलाने से या उद्धम सिंह नगर को उत्तराखंड में मिलाने से? ज्ञान सिंह फरसवान ने कहां से मास्को तक की यात्रा की थी? अल्मोड़ा से मास्को या लैंसडाउन से मास्को? मैकग्रेगर की उपाधि किसे दी गई है? मैकग्रेगर अनुज जोशी या ज्ञान सिंह फरसवान को? स्वामी राम तीर्थ ने भिलंगना नदी में कब समाधि ली थी? 1909 में या 1906 में? उत्तराखंड का लद्दाख किस घाटी को कहा जाता है? अल्मोड़ा की घाटी या नेलांग घाटी? और नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या है? विष्णु वर्मन या लक्ष्मी नारायण शर्मा? पंचेश्वर बांध पर भारत और नेपाल के बीच किस वर्ष एक संधि हुई थी? 1999 में या 1996 में? राज्य में नया पुलिस एक्ट कब लागू हुआ? 2010 या 2008? मसूरी में विंटर लाइन की घटना किस महीने में दिखाई देती है? अक्टूबर नवंबर में या दिसंबर जनवरी में? और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखता हूं। माधव सिंह भंडारी के पुत्र का नाम क्या है? गजेंद्र सिंह या गज्जे सिंह? माधव सिंह भंडारी का सेनापति कौन था? वीरेंद्र सिंह या महीपति शाह? उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक कौन है? उमा भारती या वीरेंद्र सिंह? विपक्ष और जनपक्ष पत्रिका का संपादन किसने किया था? विपक्ष और जनपक्ष पत्रिका का संपादन किसने किया था? रूपा देवी ने या शैलेश मटियानी ने? गोखले नामक आभूषण कहां पहना जाता है? अंगुली में या बाजू में? राज्य का पहला कॉर्निया बैंक कहां है? देहरादून या हल्द्वानी? जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर या 11 सितंबर 2016? देश का पहला किसान आयोग का गठन कब हुआ? 9 अक्टूबर 2018 या 9 अक्टूबर 2016? थमारी कुंड किस स्थान पे है? चमोली या पिथौरागढ़? राज्य का पहला जागर महाविद्यालय कहाँ है?
जयानंद भारतीय जागर महाविद्यालय अल्मोड़ा या जयानंद भारतीय जागर महाविद्यालय श्रीनगर। जमरानी बांध का शिलान्यास किसने किया था? हरीश रावत ने या नारायण दत्त तिवारी ने? तो ये रहा। और उत्तराखंड में सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित नगर कौन है? केदारनाथ या बद्रीनाथ? थैंक यू।